कहानी एक ऐसे शहर की है जो कई सालों से खोया हुआ था। एक दिन पुरातत्वविद अनिरुद्ध को एक पुरानी किताब मिली जिसमें उस खोए हुए शहर का जिक्र था। किताब के अनुसार वह शहर एक रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित था और वहां बेशुमार दौलत छिपी थी। अनिरुद्ध ने तय किया कि वह उस शहर को खोजेगा। रेगिस्तान के सफर पर निकलते समय अनिरुद्ध ने अपने दोस्त नीलिमा को भी साथ ले लिया। दोनों ने रेगिस्तान की तपती धूप में कई दिन और रातें बिताईं। एक दिन वे दोनों एक पुराने नक्शे के आधार पर एक विशाल टीले के पास पहुंचे। टीला खोदने पर उन्हें एक पत्थर का द्वार मिला। द्वार के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल और सुनसान शहर बसा हुआ था। हर ओर सिर्फ धूल और वीरानी थी। अनिरुद्ध और नीलिमा ने शहर की गलियों में घूमते हुए देखा कि हर घर में कीमती वस्त्र और सोने चांदी के बर्तन भरे पड़े थे। तभी उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा जिसके अंदर एक रहस्यमयी प्रतिमा थी। प्रतिमा के पास जाते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। दोनों ने आवाज़ की परवाह नहीं की और मंदिर के अंदर जाकर प्रतिमा को छुआ। अचानक पूरा शहर हिलने लगा और धरती में दरारें पड़ने लगीं। अनिरुद्ध और नीलिमा ने समझ लिया कि यह शहर वास्तव में श्रापित है। वे भागते हुए बाहर निकले और देखा कि वह द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा था। किसी तरह वे बाहर निकलने में कामयाब हुए और द्वार उनके पीछे बंद हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझने चाहिए। वे अपने अनुभव से यह सीख लेकर वापस लौटे और उस खोए हुए शहर की कहानी हमेशा के लिए अज्ञात रह गई।